तो बाहुबली के बाद प्रभास बन गया मास हीरो। साउथ में तो वो चल ही रहा था बहुत सालों से, लेकिन नॉर्थ इंडिया में भी प्रभास के जलवे हो गए कि भाई साहब क्या डायलॉग डिलीवरी है, क्या आवाज है, क्या बंदा है। अबे लेकिन शायद आपको ये पता हो या नहीं पता हो, बाहुबली में जो आवाज दी थी वो शरद केलकर ने दी थी। जी हाँ, इन भाई साहब ने। तो वो जो ऊंचे ऊंचे डायलॉग है ना कि क्या है मृत्यु और ये सब, वो प्रभास का किया हुआ नहीं था, प्रभास की जगह केलकर साहब ने आवाज दी थी। अगर आपको प्रभास की असली आवाज सुननी है तो आप जाओ साहू में, आप वहां पे देखो कितनी बेकार हिंदी है उसकी। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आर अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे महेंद्र बाहुबली के बारे में, मतलब कि मिस्टर प्रभास के बारे में। तो हुआ ये है कि जब से बाहुबली 1 और 2 आई हैं, उसके बाद से प्रभास की फिल्में आ रही हैं, ऐसा लगता है कि प्रभास ने ना सोच लिया है कि मैं बहुत ध्यान से ऐसी फिल्में चूज करूंगा जिससे मेरा करियर ही लोड़े लग जाएगा। क्योंकि जिस तरह की एक्टिंग प्रभास ने बाहुबली में कर दी, या जिस तरह का ग्रैंड रोल था, उसके बाद अगली ही फिल्म आती है साहू, जिसमें आपका ग्राफ यहाँ से उठ के एकदम जमीन के अंदर घुस जाता है। उसके बाद फिर एक फिल्म आती है राधे श्याम या राधे कृष्ण, पता नहीं क्या, एकदम पीरियोडिक ड्रामा, एकदम बेकार घटिया थी फिल्म, उसमें भी आपकी एक्टिंग के जलवे ही जलवे थे। फिर उसके बाद आपने बनाई रामायण कि मैं श्री राम बनूंगा क्योंकि अब मेरा धरती पे तो हो गया, ठीक है, इन तुच्छ प्राणियों के काम नहीं आ सकता मैं, फिर आप बने श्री राम। आपने वहां पे हगा एकदम फ्रेश, मतलब मजा ही कर दिया, क्योंकि शायद लोगों ने देख लिया नहीं, पता नहीं कैसे क्या, मुझे ऐसा लगता है वो 600 करोड़ जो आप कह रहे हो ना पिक्चर में लगाया है, मे बी वो 600 करोड़ का घपला हुआ है। और मूवी बन गई है 1.5-2 लाख में, क्योंकि YouTube पर कुछ चैनल हैं जो कि आपको सिखाते हैं एनिमेशन करना, और अगर आप उनके सिर्फ ट्यूटोरियल ही देख लोगे ना तो आपको पता लगेगा कि इस फिल्म से बहुत तगड़े VFX आप बेसिक अपने फोन से कर सकते हो 1-2 ऐप यूज करके। गजब बेइज्जती है। लेकिन ऐसा हो क्या रहा? हमने थोड़ी बहुत रिसर्च करी, हमें पता लगा कि बाहुबली से पहले भी प्रभास ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया, जैसे कि छत्रपति, जैसे कि एक मूवी है उनकी डार्लिंग, उसमें बहुत वाहवाही लूटी, बहुत पैसा कमाया, बहुत बढ़िया काम करा, मतलब अवार्ड लेवल का काम किया। बाहुबली के बाद क्या हो गया? आपकी एक्टिंग खत्म हो गई है, या आपका मन नहीं करता काम करने का, या राजामौली ने कुछ ज्यादा स्टीरॉइड्स डाल दिए थे अंदर कि बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रही। अगर हम सोर्सेज और न्यूज की माने तो प्रभास इज स्ट्रगलिंग विद एल्कोहलिज्म, तो उन थोड़ा ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है शायद, जिसकी वजह से के अंदर बहुत ज्यादा लेजीनेस आ गई है। और ये बात राजामौली ने भी खुल के कही है कि प्रभास बहुत ही ज्यादा लेजी है। कंट्रोल। तो अगर आप इतने लेजी हो तो डेफिनेटली वो आपकी एक्टिंग में दिखेगा। जो एक्टिंग आपने साहू में करी है, जो एक्टिंग आपने राधे श्याम में करी है, या जो एक्टिंग आपने आदि पुरुष में करी है, एकदम लेजी अप्रोच, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं, जीरो। आपको जीसस क्राइस्ट बना दिया यार उन्होंने आदि पुरुष में। मतलब कौन से भगवान राम सफेद कपड़े में जीसस क्राइस्ट की तरह दिखते थे? ये फंस गया सी है। So, अब उनका काम देखकर ऐसा लगता है कि प्रभास जो है ना वो एक्टिंग करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, या तो कोई लोन है सर पे बड़ा, या कोई बड़ा घर ले लिया है, जिसकी वजह से उसको जबरदस्ती काम करना पड़ता है। जो बाहुबली के बाद जो प्रभास का रेट इंक्रीज हुआ है, आई एम श्योर उसको अच्छे पैसे, तगड़े करोड़ों में रुपया मिल रहा है। पैसा ही पैसा हो गया। अभी उन्होंने एक नई फिल्म बनाई है सलार, जो कि KGF का पार्ट 4 लग रही है, मतलब एकदम KGF ही बना दिया। उसके जितना भी कलर कॉम्बिनेशन या जिस तरह की स्टोरी लाइन लग रही है, जो उन लोगों का गेटअप है, वो सारा KGF टाइप ही लग रहा है। मतलब ऐसा क्यों है? आपको कोई ओरिजिनल कंटेंट नहीं मिल रहा है? आपने आदि पुरुष में काम किया, कितने सारे सीन्स मार्वल से लिए हुए थे, जिसमें कि एसगार्ड आपने दिखा दिया कि जैसे वो रावण की लंका हो। कौन है ये लोग? या मे भी हो सकता है कि जो ज्यादा शराब पीने से, ज्यादा सिगरेट पीने से थोड़ा दिमाग भी खराब हो जाता है कभी कभी, मे भी वो हो गया हो। तो यार हम तो देखो यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके काम नहीं हो रहा है तो आप प्लीज काम मत करें। अगर आपका लोन है तो नौकरी वगैरह होती है बाहर, आप वो अप्लाई कर सकते हैं, आपके बिजनेस होंगे बहुत। स्क्रीन पे आके जनता को क्यों पागल बनाना? सलाह देखने की कोशिश की मैंने, तो मे भी यार आपको काम वाम छोड़ के घर बैठना चाहिए, बहुत हो गया यार। हर किसी के बस की नहीं होता जब पूरी जिंदगी काम करना, हर एक कोई शाहरुख खान नहीं होता, हर एक कोई धर्मेंद्र नहीं होता। कुछ लोगों का होता है कि उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद उसके अंदर की एक्टिंग खत्म हो गई, ठीक है डन है, आप जाओ यार अपना जिम विम खोलो हैदराबाद, बाहुबली जिम उसका नाम रखना है, स्टीरॉइड्स देना जो आपने ठूस ठूस के अपनी बॉडी ऐसे पंप कर ली थी, फुला ली थी। प्लीज माफ करें, बंद करें ये नौटंकी। आपकी मूवी सलार एकदम घटिया बकवास, जैसे रामायण आपने बनाई थी उसी लेवल की है, वो भी शायद उससे भी नीचे हो, एकदम काली ब्लैक KGF ही लग रही है वो। शायद यश फ्री नहीं था तो उन्होंने ये मूवी बना दी। तो देखते हैं आगे क्या मिलता है आपकी तरफ से, तब तक के लिए आदाब।